हॉस्पिटल बेगम बाजार। आज शाम में हमारे पास एक सुनैना फाइनेंस के ऑटो फाइनेंस ऑफिस है और घर भी है इनका। वहाँ पे एक अब्दुल्ला बोल के ज़्यादा इंटरेस्ट को उसको ऑटोस दिए, तीन चार ऑटोस लिए हैं अफरोज। उन्हें इंटरेस्ट में नहीं भर सक रहे बोल के उसको हरास कर रहे बोल के इन्हें जाके कुछ गैस का तेल डाल लिया, उसका मीडिया वाले को बुलाए। अब ज़्यादा मीडिया वाले जाके उसके घर पे हंगामा करे, हमारे डैमेज करे बोल के उन्हें कंप्लेंट करे, मीडिया वाले के ऊपर भी उन्हें अटैक करे बोल के मीडिया वाले भी कंप्लेंट करे, और ऑटो ड्राइवर भी मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे बोल के उन्हें भी कंप्लेंट करे। तीनों कंप्लेंट्स भी लिए हैं, तीनों भी केस रजिस्टर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते किसका गलती है तो उसको पक्का अरेस्ट करते हैं। हर एक बार तीनों मीडिया वालों को चोर बोला गया था ना, सब चोर बोला बोलता, हमारी भी तो रेस्पेक्ट है ना, कैसा उन्हें ऐसा बोलता हूँ। 30 मेंबर्स 40 मेंबर्स ऐसा फेक मीडिया साथ मेरे ऊपर अटैक करे बोले तो मैं उसके सामने पूरे आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उसको बोले फेक नहीं है, रियल मीडिया पर्सन से। फाइनेंसर इतना बड़ा फाइनेंसर बोल रहा है अपने आप को, फाइनेंसर जो बोल रहा है, पहली बात तो फाइनेंसर बोले तो पूरा खून चूसने वाले लोग हैं, लोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। जरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरा उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज। के फाइनेंसर्स में इतना डेयरनेस और इतनी बदतमीजी कहाँ से पैदा होगी, किस वजह से होगी? एक प्रेस रिपोर्टर वहाँ जब जाता है गरीब की मदद करने के लिए, पूछने के लिए कि हालात क्या है, क्या वजह से जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, क्यों आदमी मरने पे मजबूर हुआ, तो वो लोग प्रेस रिपोर्टर को भी ये बोल रहे हैं कि ये भी जो है गैर ज़रूरी आदमी है, डुप्लीकेट है, चोर है। आज वो वजह से आज एक प्रेस रिपोर्टर दिल पे दिमाग पे असर लिया, मरने के करीब हो गया। एक तो ऑटो ड्राइवर के साथ ज्यादा थी, फिर ऊपर से प्रेस रिपोर्टर के साथ ज्यादा थी, तो पुलिस और रिपोर्टर दोनों मिलने से आवाम को फायदा होता, आवाम को राहत मिलती, आवाम को इंसाफ मिलता। अब यहाँ ये हाल हो गया कि ये ब्लैक मार्केटिंग करते हुए कि रिपोर्टर्स को डराना धमकाना, वापस आए तो केसा बुक कर देने से दोबारा नहीं आना बोल के एक नई चाल जो सोचे। मैं हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से, ACP साहब, सर्कल साहब, DCP साहब सबसे ये गुजारिश करता हूँ और इल्तजा कर रहा हूँ आप सबसे कि जो है ये मामले को तहकीकात को पूरा कंप्लीट कीजिए। आकर ये फाइनेंसर सुनेना जो है इसका डेयरनेस और इतना बोल्डपन कहाँ से आया? एक जो है प्रेस रिपोर्टर को गल्ला पकड़ के चोर बोल रहा है तो फिर आम आटो वाला आम गरीब आदमी के साथ क्या जुल्म नहीं कर रहा होगा? ये खुद सबूत दे रहा है ये चीज़ का, ये जालिम है, उन्हें जुल्म करने वाला है उन्हें बोल। तो ये चीज़ को इसको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, सुनैना फाइनेंस को बंद कर देना चाहिए, कम से कम उसको एक साल के लिए तो बैंड होना चाहिए ताकि दूसरे प्रेस रिपोर्टर और गरीब आवाम को राहत मिले और इंसाफ मिले। अगर उसको जेल नहीं भेजेंगे और सीज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा जिस अंदाज में उन्हें बोला कि पुलिस मेरे जेब में है, हर चीज़ मेरे जेब में है, तो वो सही साबित हो जाएगी और लोगों का यकीन उड़ जाएगा। तो ये चीज़ उन्हें जिस अंदाज में ऑटो ड्राइवर को धमका रहा था कि पुलिस मेरी जेब में है, अगर उस पर कानून नहीं लगेगा, जेल को नहीं जाएगा, रिमांड नहीं होगा, तहकीकात नहीं होगी, तो याद रख लो पूरे लोगों का आवाम भी पुलिस बोलो जितनी गरीब आवाम है, जितने लोग हैदराबाद के पुलिस पे से, उनका जो एतमाद उड़ जाएगा। और फिर हम CPI और इंसाफ की तरफ से ऐसा एहतजाज करेंगे, गली गली एहतजाज करेंगे, फिर आपको दोबारा इंसाफ करने पे मजबूर होना पड़ेगा। लिहाजा आप वो वक्त ना लाएं जो हमको एहतजाज करने रोड पे निकलना पड़े। लिहाजा पहली फुर्सत में आप गरीब ऑटो वाले को तरजीह देते हुए उसका इंटरेस्ट माफ करा के उसका जो भी हो सकता कम से कम उसका हिस्सा खत्म कराइए। और प्रेस रिपोर्टर के साथ जो ज्यादती हुई, चोर का लेबल जो लगाया, इन्हें जज बनने वाला कौन, इन्हें कौन सर्टिफिकेट देने वाला, इसका डेयरनेस कहाँ से आया और इसका पैसा कहाँ से आया, इसका फाइनेंस कहाँ से आया, ये सारे चीज़ों की तहकीकात होना चाहिए और इसको जो है सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज का चांस नहीं है। अगर इसको कंप्रोमाइज का चांस देंगे तो फिर हम तंजीम इंसाफ की तरफ से और CPI की तरफ से पूरे शहर में एहतजाज करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं भूख हड़ताल भी बैठने के लिए तैयार हूँ, टिल हैंगर मरे तक जो है इंसाफ दिलाने के लिए मैं भूख हड़ताल करने को तैयार हूँ। यही गुजारिश भी है, इसके अंदर आपसे जो है इल्तिजा भी है, और अगर नहीं सुनने की सूरत में फिर सोच लो इसको जिस अंदाज में सोचना चाह रहे हैं सोच लो, वो भी है।